मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मेरा चेहरा थोड़ा सा अंधेरा लग गया था क्योंकि देखिए अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो ठीक है गाइज, तो 3 दिन पहले ही प्लानिंग चला था कि हॉस्पिटल जाना है, मम्मी को दिखवाना है, लेकिन नहीं दिखवा पाए। फाइनली आज देखिए दादी हंस रही है। तो गाइज चलते हैं अब हॉस्पिटल। अभी तक 2 बार चाय पी ली हूँ, पता नहीं दिन भर में कितने बार चाय पी। दोनों बार आई थिंक बेड पे मिला था, नहीं एक बार बेड पे मिला था, सोई हुई थी तो 6:30-7 बजे ही। फिर दूध आया, फिर चाय मिला, वही वही सब हुआ और क्या। आप सब देखते रहिए और क्या कहते हैं। चलिए हॉस्पिटल, मम्मी को देख चेकअप कराना है, दादी को भी साथ में लेके जाना है। दादी का भी चेकअप लगे होगा, दादी को थोड़ा सा अंदर से वीकनेस हो रहा है। ठीक ना गाइस, बाय बाय बाय। नहीं अभी तो पूरा दिन बाकी है यार, मत बाय करो, देखो आराम से, एकदम आराम से देखो, ठीक ना। तो गाइस हम सब जा रहे हैं अब हॉस्पिटल। ठीक है, हम सब का खाना पीना हो गया है, अभी मम्मी पापा खा रहे हैं और उसके बाद मैं रेडी होने जाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। मौसम बड़ा ये है, धूप ही नहीं उगा हुआ है। तो गाइस अब हम सब रेडी हो चुके हैं, मम्मी अभी रेडी नहीं हुई है, सिर्फ मैं रेडी हुई हूँ और मम्मी को रेडी होना भी बाकी है। कभी जा रही हूँ हॉस्पिटल मम्मी को दिखवाने के लिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम सब जा रहे हैं मम्मी दादी साथ हॉस्पिटल, जा रहे हैं दुकाने। ये रही दादी, आगे मम्मी है। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे। सब भरा देते हैं, ये है हमारा हनुमान मंदिर। फाइनली मैं आ गई हूँ घर, अब जा रही हूँ खाना खाने, हम सबको भूख लगा हुआ, दादी भी थक चुकी है बहुत ज़्यादा, दादी को मैं बोको ली थी थोड़ा सा। ठीक है गाइस, मिलते हैं और क्या कर सकते हैं। दादी को चला नहीं हो रहा था तो थोड़ा बोलेगी बोको आ जाओ, तो बोको लेकर गई थी तो नहीं अच्छा लग रहा था, तो आप फिर उतार दी, बोली दादी चलो अपने से। ठीक है गाइस, अब जा रहे खाना खाने, भूख लग गया कस के, मिलते हैं आपसे बाद में। गाइस अभी दादी का बहुत तेज तबीयत खराब हो चुका है, थोड़ा ठीक है अभी, और जा रहे अभी चाय बनाने के लिए क्योंकि दादी का थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसीलिए कमजोरी वीकनेस हो गया है, वीकनेस था अब ज़्यादा कम वीकनेस हो गया है, कमजोरी ज़्यादा हो गया है, तो अभी ठीक है, डॉक्टर के पास ले जाएंगे अभी थोड़ा देर के बाद, क्योंकि डॉक्टर 5:30 बजे बैठेगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं। फाइनली दादी का फाइनली तबीयत ठीक हो चुका है, बाबा 2 घंटा सीरियस थी लेकिन कोई नहीं, नज़र उजर लगा हुआ था, ठीक हो गया, नज़र मम्मी उतार दी है, देख सकते हैं आप, मम्मी मेरी जहाँ मम्मी ये है, वो है नहीं, वो नहीं है, ये है, तो वही मम्मी नज़र उतार दी थी, तो अब दादी का चेहरा देख सकते हैं आप, दादी ठीक हो गया है, दादी देखिए स्माइल कर रही है फाइनली। तो गाइस अब मम्मी एकदम डर गई थी, मम्मी तो क्या बोले, छोड़िए। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं, अब दादी ठीक है, आप सभी भगवान जी प्रे कर लिए गए, दादी सही हो जाए। गाइस मम्मी का देख लीजिए हालत कैसा है, मम्मी बताओ दादी का हालत कैसा था। बहुत खराब हालत था, मम्मी तो रोना रोना सब स्टार्ट कर दी थी, तो दिमाग खराब हो गया। हाय मेरा मम्मी, मेरा बच्चा, और बहुत हालत खराब हो गया है, माथा दर्द करने लगा। बाप रे, दादी का चेहरा नहीं देगा क्योंकि पता है गाइस, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं, मतलब आप सब जानते हैं कि वैसा मौसम में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए माहौल में, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं की। अभी मैं दादी का चेहरा आपको दिखा दूंगी, रिवील कर दूंगी, तो मम्मी से आप बात कीजिए। अरे मेरा बच्चा परेशान हो गया था, मेरे बाबू जाओ ना, तुम मैं परेशान हो गया था,
तो गाइस हम सबका मतलब मम्मी दीदी का मम्मी बेटी का ब्याह है। तो गाइस आज हमारा घड़ी पवनी था, तो घड़ी पवनी में क्या बनता है आप सब जानते ही, क्योंकि आप सब मानते होंगे घड़ी पवनी मतलब हम सबके गोसाई होते हैं, मम्मी गोसाई होते हैं ना हम सबका, तो हम सबके गोसाई फिलहाल मेरे गोसाई हैं, लेकिन मेरा गोसाई बदल जाएगा है ना मम्मी, अभी तो हम अपना गोसाई मानते हैं, तो हम सबके गोसाई हैं, तो उसी के मतलब कि आज पूजा है, आज पूरा गाँव में एकदम बहुत बड़ा पूजा होता है गोसाई का, इसलिए मम्मी गोसाई के नाम पर पूरी खीर सब्जी में बनाओगी क्या? खीर बन गया, खीर बन भी गया, वाह यार क्या इंटेलिजेंट, मेरी मम्मी सुपर फास्ट है। ठीक है गाइस मिलते हैं, खाएंगे पूरी, मुझे पूरी बहुत पसंद है, मैं पूरी अनलिमिटेड खाती हूँ, 10-15-20-25 सब हो जाता है, मैं पूरी जब खाती हूँ ना गिनती नहीं हूँ कितना खाती हूँ, लेकिन खाती हूँ क्योंकि मेरा पूरी बहुत पसंद है, मैं पूरी बहुत खाती हूँ, जहाँ पूरी देखो मैं पूरी पर टूट पड़ूंगी, मेरा फेवरेट है, 10-15 खा लूँगी। गाइस मम्मी बताएगी मुझे पूरी कितना पसंद है, मम्मी बता दो थोड़ा सा, क्या बताए मुझे पूरी पसंद कितना है? बहुत अच्छा। कितना पसंद है? बहुत ज्यादा। हाय मैं पूरी कब जाएगा मेरे मुंह में मम्मी, जल्दी मुझे बहुत पूरी, पहले दादी को दे दे तू, बाप रे बाप दादी दादी बाप रे, चलिए दादी से आपको बात करवाती हूँ, मम्मी मुझे अभी पूरी नहीं खाने दे रही है, बोल रही है कि पहले दादी खाएगी तब तुम खाना, क्योंकि मुझे आधा दिन निकलते टाइम ही मैं उसको पूरी खाती हूँ, ठीक है लाओ दादी को दे देती हूँ, दादी को मिलेगा पूरी सब्जी खीर, मीठा का खीर बना है मजा आएगा, खीर बहुत खाएगी, खीर तो वाथी ले ले ले, क्या खीर ले लेती हूँ, रुको ना पहले पूरी तो दो, पूरी सब्जी दे दो तो जल्दी से, ठीक है गाइस मिलते हैं आपसे, दादी को खाना निकल रहा है, तो गाइस निकल चुका है दादी के लिए खाना, पूरी खीर और सब्जी, पहले दादी को दे देती हूँ, दादी से आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, दादी को तो देखी ही होंगी लेकिन अभी देख लीजिए दादी सोई हुई है, दादी दादी लो खाना खा, दीदी का दीदी कॉफी कर ले आगे तू, मेरी दादी का यही नौटंकी रहा था, इतनी सुन खाना को बोलती है कि बहुत ज्यादा खाना है, खाओ जल्दी से, सबसे पहले तुम्ही को भोग लगा है, पहले तुम ही खाओगी तब हम सब खाएंगे, क्योंकि दादी घर की सबसे बड़ी है ना इसीलिए, दादी अब कैसा है तुम्हारा मन? मन ठीक है अभी, बाप रे कैसा हो गया था दादी तुमको? अच्छा पानी ना ले ला, पानी हो, तो गाइस फाइनली मैं दादी के साथ खा ली, बस वन पूरी खाई हूँ, बाकी पूरी खाना बाकी है, तो मैं जा रही हूँ पूरी खानी खानी खानी, पूरी और सब्जी और खीर खाई ना तो बहुत टेस्टी, सब्जी इतना टेस्टी बना हुआ है, मजा आ गया खा के, आज तो रिकॉर्ड मेरा टूटेगा ही, बताऊंगी कितना पूरी खाई हूँ, देख सकते हैं आप मेरी मम्मी मेरे लिए कितना पूरी बनाई है, देखिए पूरी लगल कर अच्छा हल गया, देखिए गाइस कितना पूरी बनाई है, सब मैं खाऊंगी, अभी इतना आता बाकी है ना मम्मी, मैं सब का खाऊंगी ना पूरी, खा जाओ तुम सब, कोठली है कोठली है, तो भाई मेरा पेट ही तो है भाई, खाने के लिए बना हुआ तो क्या करें, सबका पेट खाने के लिए बनता है समझी ना, कितना मस्त लग रहा है, तो गाइस खाते खाते मुझे नींद आ गई थी, अभी मम्मी बोली कि बर्तन माँज के सोने, बर्तन माँज के सो रही हूँ, बहुत जोर से नींद आ रहा है, इतना थक चुकी थी कि मत पूछिए, आज बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, आज का 2-3 से नहीं पढ़ाई हो पा रहा है मुझे, क्या करूँ यार कुछ नहीं पढ़ पा रही, क्या लिखूँगी एग्ज़ाम में, एडमिट कार्ड निकल चुका है, 4 तारीख एग्ज़ाम है कल, 2-3 दिन बाकी है, 2 दिन पूरा फुल स्टडी करूँगी, ठीक है गाइस मिलते हैं आपसे, गुड नाइट बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ,
ठीक ना गाइस, बाय बाय। आप सब मेरे डेली ब्लॉग देखते रहिए, मेरा डेली ब्लॉग आता है। थक चुके हूँ, जा रही नहीं सोने, थोड़ा रात में उठूँगी तो उठूँगी, नहीं उठूँगी सोच रही 4 बजे उठ जाऊँगी पढ़ने के लिए, देखती हूँ उठ पाती हूँ कि नहीं, पढ़ तो उठ पाती हूँ, 3 घंटे लगातार पढ़ूँगी। ठीक ना गाइस, बाय बाय।